हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों को संडे का बहुत बड़ा गुड मॉर्निंग। यह हैशटैग आस्क इस मनी का एक और नया एपिसोड है जहां पे आप लोग हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हैशटैग आस्क इस मनी लगाकर जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आता है, और अगर मुझे लगता है कि क्वेश्चंस लेना चाहिए या फिर लेने लायक पॉसिबल होती है तो मैं उस क्वेश्चंस को जरूर लेता हूं और आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब देता हूं। तो यह उसका एक और नया एपिसोड है, और मैं बता दूं आप लोगों को कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया, उसमें मैं कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन ले रहा हूं, बाकी नेक्स्ट में लूंगा। अगर आपको भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हैशटैग आस्क मनी लगाकर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे नंदन कुमार का है। ये लिखते हैं, सर मैं एन एकेडमी प्लस में आपसे स्टडी करना चाहता हूं, क्योंकि मैं यूपी से हूं लेकिन फी उतना नहीं दे पा रहा हूं, प्लीज सर फी कम कर दीजिए। तो देखिए नंदन, बात ऐसी है कि ये जो एन एकेडमी है वो तो मेरा है नहीं। सबसे पहली बात, वो एक बहुत बड़ी कंपनी है और समझ सकते हैं बहुत बड़ी कंपनी है और मेरा तो है नहीं है। दूसरी बात कि फी कम करने वाली बात ही नहीं है, ऐसा नहीं कि फी बहुत ज़्यादा है, और अब तो आई थिंक फी कम भी हो गया है। पहले वन ईयर का 30,000 था, 30,000 था, अब आई थिंक कुछ 22,500 रुपया हो गया है, 25,000 फी है, 25,000 रुपया है। लेकिन अगर उसमें आप एमिंग हाई फिजिक्स क्लासेस रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपका फी तो कम ही हो जाएगा 22,500, और एक साल में 22,500 लग रहा है। उसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, तीनों सब्जेक्ट का फुल्ली आपको स्टडी करवाया जा रहा है, उसमें भी एक टीचर नहीं। आपका अगर कोई क्लास छूट जाता तो बाद में किसी दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते हैं। 5-6-7 केमिस्ट्री के टीचर हैं, 5-6-7 मैथ, 5-6-7 फिजिक्स, हम भी उसमें हैं। तो बातें यहाँ पे हो रही है कि फीस ज़्यादा वाली बात नहीं है। आप अगर देखिएगा तो मेरा तो सजेशन होगा कि ज़्यादा फी नहीं, और दूसरी बात फी कम करने वाली बात हुई तो मेरा तो है नहीं कि मैं फी कम करूं। लेकिन हाँ, अभी फी कम लग रहा है, 22,500 लग रहा है एक साल का। अगर आप कोड यूज़ करते हैं एमिंग हाई फिजिक्स क्लासेस तो 2500 फी है, कोड यूज़ कीजिएगा तो कम लगेगा। तो मुझे लगता है कि इतने पैसे में अगर आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहा है वो भी घर बैठे, तो मैं अगर होता तो जरूर लेता। ये चीज़ें हो गई, बाकी आप अपने हिसाब से अपने लिए अच्छा बुरा देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है एक स्टूडेंट का जिनका नाम थोड़ा अजब है, उनका मैं नाम नहीं यहाँ पे शो करूँगा, बोलूँगा। वो लिख रहे हैं, सर मुझे आपसे स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है, मैं फिजिक्स का क्लास नहीं जाता हूं, क्या सर आप सिलेबस खत्म कर दीजिएगा, प्लीज सर रिप्लाई कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात जो आपने ये लिखा है कि मैं फिजिक्स का क्लास नहीं जाता हूं, तो ये एक रॉन्ग हैबिट है, गलत आदत है। आप मेरे भरोसे ना बैठिए, मैं बार बार कहता हूं, और इसी क्वेश्चन से मुझे सबसे ज्यादा डर भी लगता है। डर इन द सेंस ये कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में कभी आपको वैसी कुछ बातें हो गई, जैसे मैं बहुत बिजी हो गया, या मेरा हेल्थ खराब हो गया, या अपने क्लास के बच्चों में मैं बहुत ज़्यादा समय देता हूं और मेरा फर्ज भी बनता है कि उनसे मैं फी लेता हूं, तो जो भी समय मेरे पास है उसका मैं 99.9% उन्हीं को दूं और उन्हीं को मैं देता भी हूं। तो बातें यहां पे ये हो जाती है बाबू कि अगर मान लीजिए कल के मैं बिजी हो गया और मैं कोर्स नहीं ला पाया तब तो आप रह जाइएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आप क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए और मेरे भरोसे ना बैठिए। हाँ, जब तक मेरे पास टाइम है तब तक मैं वीडियो जरूर आप लोगों के लिए लाया करूंगा ताकि आप लोग बेहतर तरीके से सीख सके। और मैंने आप लोगों को बताया भी है, यूट्यूब पे भी मैंने एक बार बताया था, कम्युनिटी टैब में व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए उनको मैंने बता दिया, जो नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जुड़ जाइएगा। तो बातें यह है कि मैं एक तरफ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी फिजिक्स का पार्ट वन आपको पढ़ा ही रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट वगैरह वगैरह। पार्ट टू मैं एन अकेडमी पर, जो फ्री वाला कोर्स होता है एन अकेडमी पर, उसमें मैं ऑप्टिक्स का, मतलब पार्ट टू ऑप्टिक्स और मॉडर्न लाने वाला हूं। जल्दी उसका कोर्स आ जाएगा, कल ही से लॉन्च हो जाएगा वो। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी मैं खत्म कर दूं। एक तरफ आपका पार्ट वन खत्म हो जाएगा, एक तरफ पार्ट टू खत्म हो जाएगा, तो पूरी सिलेबस खत्म हो जाएगी, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप सिर्फ मेरे भरोसे बैठे रहें ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे पास समय कम होता। अगर मैं सिर्फ यूट्यूब पर रहता, सिर्फ यूट्यूब पर ध्यान देता, और यूट्यूब पर तो मैं ज्यादा ध्यान भी नहीं देता हूं, और क्लास का तो क्वालिटी कंटेंट ही अलग बात हो जाती है, या जो मैं प्लस पे पढ़ाता हूँ वहाँ का भी क्वालिटी कंटेंट अलग बात हो जाती है। यहाँ एक्चुअली क्वालिटी कंटेंट मैनेज करने की बात ये हो जाती है ना कि यहाँ पे समय में नहीं दे पाता हूँ। समय देता तो यहाँ भी बहुत अच्छी स्टडी होती, बट मैं यहाँ पे समय नहीं दे पाता हूँ यूट्यूब पे। ओके, इसीलिए ये चीज़ें हैं। तो आप अपने भरोसे बैठिए, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इमरान असलम रेहान का, थैंक्स सर, प्लीज सर ट्वेल्थ का फुल कोर्स कराइएगा, प्लीज प्लीज, हैशटैग आस्क इस मनी लिखकर ये भी पूछे क्वेश्चन। तो इमरान, मैंने तो बता ही दिया आपको, तो जवाब मिल ही गया होगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। और अगर मुझे आप दोनों प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर रहे हैं, अकेडमी पे भी फॉलो कर रहे हैं, साथ साथ में यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, तो आपका कोर्स समझ लीजिए कि खत्म ही हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि खत्म कर दूं, क्योंकि उधर पार्ट टू हो जाएगा, इधर पार्ट वन हो जाएगा, तो आपको फिर ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फिर क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा।
बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ओके। यहां पे रोहित कुमार का लिख रहे हैं, रोहित कुमार है, गुड मॉर्निंग सर, मैं भी पटना से 120 किलोमीटर दूर रूरल एरिया में कोचिंग चलाता हूं, सर क्या मैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ प्रिंट करके अपने स्टूडेंट को दे सकता हूं? तो सबसे पहले तो आप सर हैं रोहित जी, तो मेरे तरफ से भी आपको गुड मॉर्निंग, और प्रिंट करने वाली बात नहीं, आप बिल्कुल दे सकते हैं मेरे क्वेश्चंस को प्रिंट करके, उसके लिए आप बिल्कुल आजाद है। लेकिन मैं बोलूंगा कि अभी मेरा 2020 यानी नेक्स्ट ईयर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन या और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का पीडीएफ अभी आया नहीं। जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि 99 रुपीज में, जो कि बहुत ज्यादा फी है नहीं, बहुत सारे बच्चे तो यही बोलते हैं कि सर इतने गरीब हैं कि 99 रुपीज फ्री नहीं दे सकते, मुझे नहीं आइडिया कि वो दे सकते हैं कि नहीं, एक दो बच्चे ही मिलकर दे सकते हैं, कर सकते हैं वो चीज़ें, और कुछ चीज़ों को पेडेबल रखना हमारी मजबूरी हो जाती है। इन द सेंस मैं बार बार कहता हूँ कि YouTube से तो काम चलता नहीं है, तो फिर कुछ पेडेबल रखना मजबूरी हो जाती है। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी मेरा 2020 के लिए लॉन्च नहीं हुआ है पीडीएफ, अगर नेक्स्ट ईयर के लिए 2020 के लिए अगर लॉन्च होता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो वाला खरीद के और उसे प्रिंट कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट होगा क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा और एक डेढ़ महीने में वो लॉन्च हो जाएगा। तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल आज़ाद हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं। सुमित रंजन सिंह लिखते हैं, सर यू डिजर्व फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर एंड मिनिमम 100K व्यू ऑन ईच वीडियो, ठीक है, लव यू सर, आई एम ऑल्सो अ यूट्यूबर एंड इंस्पायर्ड ऑल्सो फ्रॉम यू। सुमित रंजन सिंह, थैंक यू सुमित रंजन सिंह कि आप इतना सोचते हैं मेरे बारे में कि मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो। एक्चुअली जो मैं चीज़ें करता हूँ ना वो रियल चीज़ें करता हूँ, रियल का मतलब मैं थोड़े बार अपने बारे में बोल देता हूँ कि रियल चीज़ें करता हूँ, रियल का मतलब ये हो गया कि रियल स्टडी क्या होता है, लेक्चर्स का वीडियो जो मैं अभी ला रहा हूँ, रियल स्टडी। लास्ट टाइम में मजबूरी में जब बच्चे लोग वीडियोज नहीं देखते हैं तो मजबूरी में मुझे लाना पड़ता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लेकिन जो अभी लेक्चर ला रहा हूँ वो बिल्कुल रियल वीडियोज होता है, लेकिन फिर भी उस पर व्यूज नहीं आते हैं ज़्यादा, तो थोड़ी सी कभी कभी तकलीफ हो जाती है। इसी वजह से लास्ट ईयर बंद करना पड़ गया था कोर्स, वो वाला व्यूज नहीं आएगा, तो इस बार भी मजबूरी में बंद करना पड़ेगा, नहीं बच्चे देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन का सीरीज लाना पड़ेगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, और आप इतना सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है हमारे बारे में, थैंक यू आपको। प्रिया कुमारी सिंह लिखते हैं, थैंक यू सर, माई मार्क 415 मतलब 415 नंबर मेरा आया है। फिर नीचे भी लिख रही है, अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं BSc भी इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री मैथ ETC का वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें। प्रिया सिंह, देखिए प्रिया सिंह आपका 415 मार्क आया, बहुत अच्छी मार्क है, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इतना अच्छा मार्क लाएं, और मैं आपको पहचान रहा हूं क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट को मैं फोटो से पहचानता हूं। और आपने जो बात लिखी है यहां पे कि अगर कोई स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम में केमिस्ट्री वगैरह का वीडियो लाऊं, तो मेरा सजेशन होगा प्रिया कि अभी आप 12th पास की हैं, बाकी तो देखिए आप अपनी ज़िंदगी आप अपने हिसाब से लेके चल सकती हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि आप अपने जो टाइम YouTube पे वीडियो बनाने में दीजिएगा, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, उस टाइम को आप यूज कीजिए स्टडी में, अपने फोकस पे, कोई लाइफ में बड़ा एम रखिए, UPSC BPSC ये सब का बड़ा एम, YouTube में कुछ रखा नहीं। यहाँ अगर ये चाहते हैं कि लोगों का सेवा करें YouTube पे आकर, बहुत सारे लोग चाहते हैं सोचते हैं कि YouTube पे आके बहुत अर्निंग कर लेंगे, तो ऐसी चीज़ें होती नहीं है। हम लोग का वीडियो जितना भी चलता है तो मैक्सिमम महीने में 4-5 हज़ार रुपया जाते जाते वीडियो दम तोड़ देता है, तो अर्निंग तो है नहीं बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं अर्निंग है। और मैं बोलूंगा कि अभी स्टडी का टाइम है, सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, सिर्फ इनको नहीं, सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ कि अभी आप फोकस कीजिए अपने स्टडी पे, टाइम दीजिए अपने स्टडी पे, टाइम दीजिए कि बेहतर तरीके से आगे लाइफ में आगे जा सके, बाकी तो यूट्यूब तो बाद में बचा हुआ है। तो मेरी तरफ से ये सजेशन रहेगा सारे स्टूडेंट्स को कि जो यूट्यूब पे आना चाहते वो पहले अपना स्टडी पूरा कर लें बेहतर तरीके से, और हमसे बोल दें, हमसे मिल लें, हम उनको डायरेक्टली अपना अर्निंग ही दिखा दूंगा खोल के यूट्यूब से, उसके बाद वो समझ जाएंगे कि रियली में कितनी अर्निंग होती है और क्या चीज़ें होती है और यूट्यूब में आने से बेनिफिट है या नहीं है। और मैं सारे स्टूडेंट जो एमिंग हाई के पढ़े उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि समय बहुत कीमती है, टाइम दीजिए रियल चीज़ों पर जो आपको आगे काम देने वाला है, ओके। अमित आर्या लिखते हैं, हाई सर, मैं फिजिक्स का कोर्स बाई करना चाहता हूँ। एक्चुअली अमित, अभी मैं फिजिक्स का कोर्स तो किसी बच्चे को दे नहीं रहा हूँ, पेडेबल कोर्स रखा नहीं हूँ। मैं लास्ट ईयर बताया था कि 1000 रुपीज़ में एक साल का कोर्स मैं लाऊंगा, बहुत बेस्ट कोर्स होगा, तो दो वजह से नहीं लाया। पहली वजह कि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हम बहुत गरीब हैं, 1000 रुपया नहीं दे सकते, जबकि मैंने बोला था कि बाबू दो स्टूडेंट मिलकर 500-500 रुपया भी कर लीजिएगा, और एक साल का आई थिंक 500 रुपया कोई बहुत बड़ी फी नहीं थी, बहुत छोटी सी फी होती है एक साल का अगर मिल रहा है सारा का सारा स्टडी तो। बट स्टूडेंट लोगों ने ऐसा बोला तो मैंने सोचा कि छोड़ो पेडेबल कोर्स ही लाना बंद कर देते हैं, तो पेडेबल कोर्स का मैंने ये कर दिया। फ्यूचर में कभी होगा तो वैसा मैं करूँगा,
लेकिन अभी कोर्स मैं नहीं दे रहा हूँ किसी स्टूडेंट को, तो बाय करने वाली बात आपको नहीं है। हाँ, पेडेबल कोर्स की क्वालिटी कंटेंट बहुत अच्छी थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात अगर किसी टाइम पे ज़्यादा टाइम दिया जाए तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित का, सर आप जो मेन एग्जाम, अच्छा आप जो एग्जाम में 99 रुपया में जो PDF दे रहे थे वो PDF दीजिए सर हमको प्लीज, आपका किसी वीडियो में उसका डाउनलोड। भाई मैंने बताया ना अंकित कि अभी जो PDF जो मैं दे रहा था वो नेक्स्ट ईयर के लिए अभी नहीं आया है, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो का, आप देख सकते हैं, बट वो लास्ट ईयर के लिए 2019 के लिए, 20 के लिए नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा कि 20 के लिए लीजिए। ओके, यहाँ पे भोजपुरी है वो लिखते हैं, सर मैथ का तैयारी कहाँ से करें एंड केमिस्ट्री का भी प्लीज हेल्प मी। देखिए मैथ की तैयारी और केमिस्ट्री की तैयारी कहाँ से करें भोजपुरी, ये तो आप खुद अपने हिसाब से देख लें, अपने हिसाब से बेस्ट देखेंगे, आपके लिए अपना चॉइस सबसे बेस्ट होगा। बट बहुत सारे बच्चे हमसे एक क्वेश्चन जरूर हमेशा करते हैं कि सर आप अपने चैनल पर केमिस्ट्री मैथ सबका वीडियोज लाइए। मैं कोशिश भी किया हूँ, मैं पहले ही वीडियो बता चुका हूँ, मैं कोशिश भी किया हूँ और हो नहीं पाती है चीज़ें, हो इसलिए नहीं पाती है ना क्योंकि कुछ जो टीचर्स जो जिनको मैंने बात किया वो उनका इतना ज़्यादा फी होता है कि एक तो मैं ऐसे ही पूरा खर्च कर देता हूँ, 10 से 15 हज़ार रुपया एवरी मंथ मुझे देना पड़ता है स्टाफ जो कैमरा के पीछे लोग खड़े होते हैं या जो वीडियो एडिट करते हैं उन सबको मिलाकर, तो बातें ये हो जाती है। वैसे भी टीचर का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है तो मैं नहीं कर पाता हूँ, बात ये है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिए कहाँ कर सकते हैं। ओके, कुणाल कुमार राय, हेलो सर जी, तो आप बताइए कितना क्वेश्चन मिला 2019 में टोटल ऑब्जेक्टिव। अच्छा अच्छा, हाँ ये चीज़ें जरूरी है कि बताना कि कितना मिला। देखिए सबसे पहली बात मैं बार बार कहता हूँ कि मैं मिलने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, अगर मिल गया तो अच्छी बात है बट मिलने के लिए नहीं पढ़ाता हूँ। लेकिन आपका सवाल है कि सर कितना मिला, तो बहुत ज़्यादा मिला था, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। कुणाल कुमार सिंह बोलते हैं, रियली एट लास्ट 2 मंथ आई ज्वाइंड यू एंड मेनी क्वेश्चंस केम फ्रॉम यू गिवन क्वेश्चंस, मतलब मैंने जितना क्वेश्चंस दिया था उससे बहुत सारा क्वेश्चंस डायरेक्ट लड़ा। थैंक यू मुकुल, मुकुल है कुणाल नहीं मुकुल, थैंक यू मुकुल कि आप इतना सोचते हैं मेरे बारे में। एस म्यूजिक वर्ल्ड बोलते हैं, सर एन अकेडमी ऐप पे वीडियो अपलोड नहीं कीजिएगा। नहीं बाबू, एन अकेडमी पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बीच में गैप ले लिया था एक्चुअली, और एन अकेडमी पे वीडियो अपलोड करूंगा क्योंकि वहां तो काम रहता है ऐसा कि वीडियो लगातार अपलोड कीजिए, वहां तो रहता है काम कि कम से कम 20-25 वीडियो अपलोड करना ही पड़ता है वहाँ पे मंथ में, तो वहाँ अपलोड होगा। और मैंने बताया कि ऑप्टिक्स चैप्टर में मैं वहीं पे स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑप्टिक्स मॉडर्न उसी में लाऊंगा, पार्ट टू को अभी मैं लाने वाला हूँ क्योंकि पार्ट वन तो यहाँ पे पूरा पार्ट वन पार्ट टू यूट्यूब पे खत्म नहीं होगा क्योंकि टाइम मिलता नहीं, अल्टरनेट में चलता है, तो मैं वहाँ लाऊंगा। ओके, खुशबू कुमारी बोलती हैं, सर आप अब अनअकैडमी ऐप पर वीडियो नहीं डालते हैं। एक्चुअली ऐसी नहीं बात है खुशबू, मैं अनअकैडमी ऐप पे वीडियो डालना शुरू करूंगा, आपका भी यही क्वेश्चन है। तो खैर आज इतना ही क्वेश्चन रहा, अगर आपके साथ भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में #askmoney लिख के क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि मैं आप लोगों का कमेंट ले सकूं और आप लोगों का जवाब दे सकूं, और वही पढ़ते रहिए बेहतर तरीके से। और एक बात और मैं बता दूं कि आज इवनिंग में मैं लाइव आऊँगा और उसमें मैं IIT JEE NEET के लिए जो कॉन्स्ट्रेन रिलेशन होता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का, उसको मैं स्टडी करवाऊंगा, कॉन्स्ट्रेन रिलेशन। तो आप लोग चाहते हैं तो शाम 6 बजे इवनिंग में हमसे लाइव स्टडी कर सकते हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब की स्टडी तो फ्री होती है, अनअकैडमी की भी फ्री होती है, प्लस कोर्स का बस फी लगता है उसमें, और प्लस कोर्स की स्टडी अच्छी होती है, लाइव क्लासेस होता है वहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, कभी कभी कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।